नमस्ते, जय हिंद। आई एम स्नेहल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ओरियो बिस्किट से एक रेसिपी जिसका नाम है ओरियो डिलाइट। सो फ्रेंड्स, ओरियो डिलाइट बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ ओरियो बिस्किट चाहिए और सम ड्राई फ्रूट्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बिस्किट में से क्रीम को अलग कर लेंगे। एक अलग बाउल में क्रीम लेंगे और बिस्किट जो है वो हम अलग रखते जाएंगे। ये क्रीम का भी हमें यूज़ करना है, इसलिए इसको हमें अलग रखना है। ये बिस्किट्स और क्रीम मैंने अलग कर लिए हैं। अभी हम बिस्किट को मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे। इसका हमें एकदम बारीक पाउडर बनाना है, तो मिक्सी में हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे बिस्किट्स को मिक्सी में पीस लिया है और हमें एकदम बारीक पाउडर चाहिए होगा इसका। अगर आपकी मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहे हैं बिस्किट, तो इसको एक बार छान लीजिएगा, लेकिन बिस्किट के टुकड़े इसमें ना आए, ये इसका ध्यान रखना है हमें। ये मिल्क लिया हुआ है मैंने, इसमें क्रीम भी साथ में है, मतलब कि जो मिल्क की मलाई होती है वो भी मैंने इसमें डाली हुई है, तो उससे हमें इसका आटा गूंदना है। वैसे बिस्किट में बटर बहुत होता है, तो हमें ज़्यादा इसमें बटर वगैरह की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ मिल्क और मलाई से हम इसका आटा गूंद लेंगे। ये देखिए इतना सा मिल्क बच गया है, हार्डली 2-3 टेबल स्पून इसमें मिल्क जाएगा और इसका डो रेडी करना है। अभी हमारा डो रेडी हो गया है। अब हमने जो क्रीम अलग किया था बिस्किट में से, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून जो नायलॉन कोकोनट आता है, जो सॉफ्ट वाला कोकोनट, बारीक वाला, वो मैंने लिया है। 2 टेबलस्पून मिक्स नट्स हैं, इसमें मैंने आलमंड और पिस्ताचियो लिए हैं और सम थ्रेड्स ऑफ केसर। केसर इसकी फ्लेवर में ले रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें केसर ऐड किया है। इन सारी सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका भी एक डो फॉर्म हमें रेडी करना है। क्रीम बहुत ही अंदर बटरी होता है, तो इजीली ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। ये देखिए ऐसा हो जाएगा अच्छे से मिक्स करने के बाद। अभी जो क्रीम का मिक्सचर है उसको मैंने बटर पेपर पर लेकर रोल कर लिया है। बटर पेपर को थोड़ा सा ग्रीस करके आप इसको रोल कर देना है, बहुत ही ईजीली हो जाता है। अब ये रेडी है, अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो बिस्किट का हमने ब्राउन वाला पोर्शन लिया था, उसको मैं ले रही हूँ एल्युमिनियम फोइल में। ये एल्युमिनियम फोइल को मैंने पूरा ग्रीस कर लिया है और ये हम आटा जो हमने गूंदा था वो उस पर प्लेस करेंगे और इसका एक रोल बनाएंगे। उसको हमें बेलना है अच्छे से। पहले अच्छे से हाथ से हम प्रेस कर देंगे, उसको अच्छा सा शेप दे देंगे, फिर हम इसके ऊपर बटर पेपर रख कर इसको बेल लेंगे। जो बटर पेपर है वो भी मैंने ग्रीस कर लिया है, उसका ग्रीस किया हुआ पार्ट हमें उस पर रखना है और इसको बेलन से बेल लेना है। अभी इसको मैंने बेल कर रेडी कर लिया है। ये देखिए हमें जितनी थिकनेस चाहिए थी वो थिकनेस में हम इसको बेल लेंगे और साइड से थोड़ा सा इसको हम स्क्वायर शेप दे देंगे, ताकि हम जब रोल करें तो हमें उसको कट करने में फिर आसानी हो। इसकी थिकनेस देखिए ये इतनी रखनी है हमें, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। अब हमने जो क्रीम का रोल बनाया था उसको हम मिडल में प्लेस कर देंगे और इसको एल्युमिनियम फोइल के साथ ही हम रोल करते जाएंगे। एकदम टाइट रोल कर देना है, थोड़ा सा बीच में आप लेवल कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से इसका हम टाइट रोल बना लेंगे और इसको एल्युमिनियम फोइल में ही हम रैप कर देंगे। ये बहुत ही इजीली हो जाता है, ज़्यादा क्रैक इसमें नहीं आते हैं, थोड़ी सी साइड में क्रैक आती है, बट फिर इसको हम अच्छे से रैप करके फ्रीज में 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज़र में भी 1 घंटे के लिए रख सकते हो। आफ्टर 2 आवर्स इसको मैंने फ्रीज में से निकाल लिया है। अब हम इसको खोलते हैं। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है और इसको मैं चांदी के वर्क से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स पाउडर से भी इसको उसमें रोल कर भी आप कर सकते हो, या खसखस जो होते हैं उससे भी आप कर सकते हो। एक बार थोड़ा सा लेवल करके फिर आप अपना ये चांदी का वर्क पर इसको
रोल कर दीजिएगा तो ये इसके ऊपर अच्छे से हो जाता है कोटिंग। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई है। अब हम इसको कट करेंगे। थोड़ा सा आगे का पार्ट मैं निकाल रही हूँ ताकि इसकी एक फिनिशिंग अच्छे से आए और कट अच्छे से हो। देखिए ये ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है और ये बहुत ही इजीली बन जाती है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा ओरियो डिलाइट। ये बहुत ही यम्मी टेस्टी होता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और गेस्ट को अगर आप सर्व करोगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं, अभी ये सर्व करने के लिए रेडी है। ये देखिए फ्रेंड कितना अमेजिंग लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम मार्केट से ही कोई स्वीट लेकर आए हैं। ये बहुत इजीली बन जाता है, आप इसको दिवाली में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।